أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم सिरात नजीनामत गैरलमी अलैहिम वलजअली आमीन अल्लाह के सना के साथ सुफ़ान अल्लाह व बमदेहीदल्क़ ही, ही वदाए नफ्सी वजीनत अरश ही व मिदादल और नबी वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम के साथ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اور اس دعا کے ساتھ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في, في الدين آمين يا رب العالمين ارزق واكس كي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا अला हम आपसे तलब करते हैं नाफ़ और हलाल और तैयब रिस्क़ और अमल मुतबला एला इतना ख़ूबसूरत अमल अखलास से भरा हुआ अमल आपकी मोहब्बत में किया हुआ अमल जो क़बूलीत के दर्जे तक पहुँच जाए सुन्नत के मुताबिक अमल जो क़बोलीत के दर्जे पर पहुँच जाए आज ग्यारह जनवरी 2021 मंडे का दिन है आज इन लोग अपनी उनतीसवीं क्लास मंडे की शुरू कर रहे हैं मेरा नाम निखत हैदर है सलामैकम वरहत लबरकू और हम आज आगे जाने से पहले बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहते हैं आप लोगों को और बहुत सच्ची ख़ुशी अंदर से महसूस कर रहे हैं एक मिशन जो मेरी ज़िंदगी का है एक मिशन जो आपकी ज़िंदगी का होना चाहिए एक मिशन जो हम सब की ज़िंदगी का गोल और मिशन होना चाहिए वो ये कि हम जन्नत की चाबी को हासिल कर सकें और इस जन्नत की चाबी के हसूल में इनशा हम लोग अल्लाह की रज़ा को पाई लेंगे ना मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और जन्नत उसका जन्नत उसका ही नाम है तो आज जो हम नमाज नबवी पढ़ने लगे हैं और जो एक बरसों की तमन्ना थी लोगों के बरसों के मुतालबात थे अल्हम्दुलिल्लाह आज उस आज उसकी शुरुआत है और ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि सुन्नत वाली नमाज को सीखा और सिखाया जाए उस नमाज़ के बारे में कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज आपने जाते हुए इस दुनिया से रुख़त होते हुए जिस चीज़ की हम सब को नसीहत गई वो थी असला वमाम तमान और मेरा दिल रोता है और हम सब जानते हैं इस बात को कि आज उम्मत ने जिसको आप ये कह के गए उस उम्मत ने तो इसकी बहुत ज्यादा अपनी जान से भी हिफाजत की लेकिन बदरीज उम्मत कहाँ पहुंची है आहिस्ता आहिस्ता हम कहाँ पहुँचे हैं आज हम सब जानते हैं हम सब अपनी नमाज़ों पर शर्मिंदा हैं अपने रब के आगे कि हमने नमाज को महज़ एक रस्म बना दिया नमाज की रूह निकल गई हमारी नमाजों से पढ़ते भी हैं तो रूह मौजूद नहीं है। एक तो फिक्र मौजूद नहीं दूसरी रूह मौजूद नहीं तो वो जो इतनी कीमती चीज़ थी जिसकी हिफाज़त कह करने की इस उम्मत को बार बार क़ुरान में बार बार अल्लाह के नबी की हिदायत में हिफाज़त करो हिफाज़त करो हिफाज़त करो हमने हर चीज़ की हिफाज़त सीखी हम हर चीज़ की हिफाज़त पे लग गए हमने क्या क्या कैमरे और क्या क्या चीज़ें ईजाद कर लीं लेकिन ये जो क़ीमती चीज़ थी ये मेरे हाथ से फिसलती चली गई हमारे हाथ से फ़िसलती चली गई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप में से जो लोग भी आए हैं सुन रहे हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ बाद में पहुँचेगी अल्लाह का शुक्र अदा करें हम सबों को अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हम सब अपनी नमाज़ की असलाह की तरफ और दूसरे लफ्ज़ों में सुन्नत वाली नमाज की तरफ इनशा ताला चलेंगे इनशा और आज से ये सफ़र शुरू होता है अगले मंडे को भी हम इसी को पढ़ेंगे इनशा तो ये जो किताब जिसकी तरफ हमने आपको दावत दी है नमाज नबी हमें उम्मीद है आप सबके पास मौजूद है और अगर किसी के पास मौजूद नहीं तो वो लिंक ओपन करके इसको देख सकता है इनशा हदीस बताती है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ने पांच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं जो शख़्स उनके लिए अच्छी तरह वज़ू करें, उन्हें वक्त पर अदा करे और उनमें मुकम्मल सही रुकू करें और खुशु का अहतमाम करें, तो उस इंसान का अल्लाह पर ज़िम्मा है कि उसे माफ़ कर दे और जो शख़्स इन बातों को का ख्याल ना रखे उसका अल्लाह पर कोई ज़िम्मा नहीं है चाहे तो उसे माफ़ करे और चाहे तो उसे अजाब दे चाहे तो उसे माफ़ करे चाहे तो उसे अजाब दे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत में के सल्लु कमार तुमोनी वली तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह के तुम मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो और सुबहान के आपके बाद आपके अहल बैत साहबा कराम और आप उनके बाद आने वाली उम्मत जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नमाज़ आपके क़ौल आपके फेल तमाम चीज़ों को इस उम्मत तक पहुँचाया और उसके बाद उम्मत उनके नक्श क़दम पर चलती रही उसके बाद उनके नक्श क़दम पर चलती रही तो इस्लाम में नमाज़ का इतना अहम मर्तबा है हम आगे सीखेंगे पढ़ेंगे कि जो इसको पूरी तरह अदा करता है वो तमाम तर अजर वबाब का मुस्तक होता है और फिर अजरो सवाब में जो कमी बेशी होती है जैसे कि बात हो रही थी कि नमाज का भी एक वज़न है ठीक है ना नबी वसल्लम ने फरमाया और ये हदीस है सुना नबू दाऊद की बहुत ग़ौर से सुनिएगा हम सब नमाजी हैं ना हमें कुछ न कुछ तो अपना अंदाज़ा लगाना चाहिए कुछ जज करना चाहिए अपनी नमाज को ख़ुद ही जज करें मेरी नमाज़ कितना वज़न रखती होगी अल्लाह के पास हर नेकी का एक वज़न है और हर नेकी अपने क्वालिटी की वजह से मैार की वजह से अल्लाह के पास वज़न पाती है मिजाने अमल में वज़न पाएगी हम हरकतें तो सारी नमाज की कर रहे हैं हम वज़ू भी करते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन इस हदीस के रोशनी में अपनी नमाज को ख़ुद देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुरन अबू दाऊद की हदीस है कि बेशक बंदा नमाज़ अदा करता है लेकिन उसके नामा अमाल में इस नमाज का दसवां नवा आठवां सातवां छठा पाँचवा चौथा तीसरा या निस हिस्सा लिखा जाता है यानी अगर नमाज के दस नंबर लिखे जाएं और लिए जाएं, तो मेरी नमाज इसमें कितना हिस्सा लेती है दस में से दस नंबर सवाल जवाब देते हैं लिखते हैं अभी बुखारी का टेस्ट हुआ है तो हम में से हर कोई चाहता है दस में से दस नंबर मिल जाएं, पूरी कोशिश करता है इंसान कि ये नंबर और अगर कम हो जाए तो इंसान को फिक्र होती है कि ये नंबर नम्ब, नंबर मेरे दस में से दस क्यों नहीं मिले मेरी क्या ग़लती थी दुनिया में ग़लतियों को जांचा जा सकता है टीचर से पूछा जा सकता है उस्ताद से पूछा जा सकता है प्लीज़ हमें हमारी गलतियां बताएं लेकिन ये जो गलती है जो नमाज़ में हम कर रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है क्यों इसलिए कि इल्म इतना नहीं है मेरे पास कि नमाज़ों को समझा जा सके इसके लिए सीखना पड़ेगा कि नमाज कैसी होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए नंबर लेके आए तो जिस क़दर किसी इंसान की नमाज़ सीखना क्या है समझना क्या है जानना क्या है ये लाइन लिखिएगा कि जिस क़दर किसी इंसान की नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ किसे ज़्यादा करीब होगी वो इसी क़दर ज़्यादा अजर सवाब का हक़दार होगा वो उसी क़दर ज़्यादा नंबर ले जाएगा तो हमारे लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है ज़रूरी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी नमाज पढ़ी जाए हमें आपकी नमाज़ की कैफियत तफसील के साथ मालूम हो आप के नमाज़ के तमाम आपने किस तरह नमाज अदा की है उसकी तमाम डायरेक्शंस उसके तमाम नुक़ात उसकी तमाम बारीकियां हमें और आपको पता हो और फिर उसके मुताबिक अगर नमाज अदा की जाएगी तो फिर उम्मीद है कि फिर ये वही नमाज होगी फिर वो वही नमाज होगी जो जन्नत की चाबी बनेगी फिर ये वही नमाज होगी जो वज़न ले जाएगी मिज़ान अमल में फिर ये वही नमाज होगी जो बेहयाई और मुनकर बातों से हमें रोकेगी फिर वो वही नमाज होगी जो हमारे नाम आमाल में या आमाल के वज़न में हमारे दाहिने बाज़ू को दाहिने पलरे को भर देगी तो नमाज एक ऐसा अमल कि जिसको जितना हम देखें इतना इतना ख़ूबसूरत अमल जिसको हमने इस ने बोझ बना लिया हमारे लिए जो ये पांच वक्त की नमाज है ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है ये तो बात तो हम जानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये फ़र्ज़ क्यों है हुँ? दुनिया के हंगामों में दुनिया के मसरूफियतों में दुनिया के डिमांड में दुनिया हर वक्त चाहती है कि उसकी तरफ़ मुतवज्जा रहा जाए दुनिया हर वक्त ये चाहती है कि उसके लिए काम किया जाए मेरे दुनिया के नफ़े और घाटे मेरे दुनिया के फ़ायदे और नुकसान हर वक्त दुनिया की तरफ और दुनिया के कामों की तरफ मुतवज्जा रखते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि एक ईमान वाला बंदा बगैर चार्ज हुए हुए बगैर याद दहानी के और ब़ैर इस याद के ऐसी जिंदगी गुजारे कि जिसके बारे में ये है कि अब उसने कल कलम्लाह इला के साथ क्या कर लिया एक अल्लाह की इताद का पट्टा अपने गले में डाल लिया है अपने आप को अपने रब को सौंप दिया है कि अल्लाह मेरा जीना और मेरा मरना इन न व नुसुकी व मखिया व ममाती ली रबालमीन ए ला बेशक मेरा जीना मेरा मरना और मेरे तमाम अमल सारी इबादत हर अमल किसके लिए है हर चीज़ या अल्लाह बस तेरे लिए है और अगर अपनी ज़िंदगी को उठा के देखें तो मेरा उठना किसी और काम के लिए मेरा सोना किसी और काम के लिए मेरे दिन भर की तगो दो किसी और काम के लिए तो इसी याद दहानी के लिए कि अल्लाह के सामने हाजिर हो जाओ पांच बार आके ये सबक याद करके चले जाओ कौन सा है वो सबक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ही लाइन में पूरी दुनिया समेट दी गई एक ही लाइन में पूरा क़ुरबता कर दिया गया एक ही लाइन में हमें और आपको ये बता दिया गया पर्पस ऑफ लाइफ क्या है तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद क्या है तुम दुनिया में किस काम के लिए भेजे गए हो कैसे जियोगे सारी चीज़ें जिसको तुम अपना समझते हो मेरी दी हुई है मेरा हाथ करो मेरी शुक्र करो कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है और मेरा मामला ये है कि तुम्हारा रब हूँ तुमको कायम रखने वाला तुमको देने वाला तुम्हारी परवरिश करने वाला तुमको मजीद नवाजने वाला हर चीज़ मेरी मिल्कियत है तुम मेरी मिलकियत हो मैं तुम्हारा हाकिम हूँ मैं तुम्हारा आका हूँ मैं तुम्हारा खालिक हूँ ये याद करो रब कहते ही बंदा जब रब कहता है पोजीशन वाजी हो जाती है दुनिया में उसकी कि अब वो गुलाम है और अल्लाह उसका रब है तो अब ज़िंदगी गुजारी जाएगी उसके मर्ज़ी के मुताबिक ये सबक सूरह फातिहा हर रकत में हमें और आपको याद दिलाती है मगर अफसोस सूरह फातिहा के साथ मेरा वो कनेक्शन है ही नहीं जो होना चाहिए सूरह फातिहा मेरी ज़बान से अदा होती है बट दिल के ऊपर कुछ असर नहीं आता कोई चार्जिंग नहीं आती कोई पर्पस ऑफ लाइफ याद नहीं आता ये बिल्कुल याद नहीं आता कि मेरी हर सांस अल्लाह के रम करम पर है और मुझे अपने रब के मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना है यही टेस्ट है यही मेरा इम्तहान है और इस टेस्ट को आसान करने के लिए अल्लाह ताली ने मेरे लिए और आपके लिए ये पाँच वक्त की चार्जिंग रखी है मेरे दरबार में हाज़िर हो जाओ मेरे कदमों पे सर रखो और कहो कि अल्लाह तू बड़ा बुलंद है अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी गफलत के उन लम्हात के ऊपर जो मैं आपके कनेक्शन के बग़ैर गुजार रहा होता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए उन तमाम आमाल के ऊपर जो कि मैंने आपकी याद के बग़ैर किए तो मुसलमानों के लिए तो ये एक ए, इतनी इतना बड़ा गिफ्ट है इतना बड़ा गिफ्ट है जो कि हम जिसको हम बोझ समझते हैं असल में मैं वही मेरा सोर्स ऑफ पावर है वही मेरे वही मेरी एनर्जी है वही मेरी ताकत है एक बंदा अपने रब से मुलाकात करता है पाँच बार दिन भर में और फिर इस ये मुलाकात उसको चार्ज कर देती है ये मुलाकात उसको दोबारा मकसद हयात याद दिला देती है तो इसके अंदर जितना इस नमाज़ के अंदर जितनी खैर बरकत है ये ख़ज़ाना है खैर बरकत का ये आखरत की कामयाबी का जामिन है यानी आख़रत की कामयाबी इसी से मिलेगी और नमाज के जैसा जैसी कोई इबादत दुनिया में किसी और दीन में नहीं दिखाई देती ये मुसलमानों का एजाज़ है ये मुसलमानों का आप देखें जब यानी छोटे पैमाने पर मस्जिदों में ये दिखाई देता है जमात का जो नज़म है और जब हरम के नमाज़ का मंज़र पेश किया जाता है आप देखें इससे ज़्यादा रूह परवर दुनिया के सामने क्या मिसाल पेश होती है सुबहानल्ला एक ऐसी कौम एक ऐसी कौम जो और जिसके अंदर इतना डिसिप्लिन कि जो कि एक अपने रब के आवाज़ पर एक अपने रब की पुकार पर इस तरह ना सिर्फ़ ये कि इबादत के लिए हाजिर होती है बल्कि एक ऐसा डिसिप्लिन है कि एक इमाम के पीछे एक इमाम को एक लीडर को सारे फॉलो कर सक कर रहे होते हैं चाहे वो लाखों की तादाद में हो चाहे वो मिलियन की तादाद में हो हम इस मंज़र को नहीं समझ पाते इसलिए कि हम इसको हमारा समझते हुए इसकी अहमियत नहीं देते लेकिन आप देखें दुनिया में इस डिसिप्लिन, इस जमात इस इतात अमीर की पाबंदी और फिर वक्त की पाबंदी फिर उसके साथ उसकी सफ़ाई और सुथराई ये जो तहारत का निज़ाम है पूरे का पूरा कि बावज़ू होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ जाएगा ये उम्मत जिसको वज़ू दिया गया बावज़ु रही रहेगी न सिर्फ़ नमाज में बल्कि उसके अलावा ये नज़ारा ये तहारत ये सफ़ाई ये डिसप्लिन किसी और कौम में किसी और मज़हब में नज़र नहीं आती और नमाज की अहमियत इससे बढ़ के और क्या होगी कि जब नमाज़ को काफ़िर और मोमिन के दरमियान फ़र्क बताया गया है वही नमाज ये वो नमाज़ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है ये वो नमाज़ है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह के आगे गिड़गड़ाते हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाबी नसीब करेगा और करता है क़द अफला मोमिनून उसने तो मोमिन तो कामयाबी कामयाबी हो गए तो हम फ़ी हम ख़्वाशों और सबसे पहली बात नमाज की लाई गई है तो आप और हम ये देखें कि अपने नबी की वो नसीहत जो आपने अपने जाते हुए आखिरी जो अल्फाज कहे हैं असलात असलात व मा मलकत ऐम को इस नसीहत पर कितना ज़रूरी है कि इंसान इस बात की तरफ़ तवज्जो करे कि कौन सी वो चीज़ थी जो मेरे मोहसिन ने मुझे जाते वक्त नसीहत की है कौन सी वो चीज़ थी जिसकी तरफ़ इशारा किया गया कि यही इसी के अंदर कामयाबी का राज है तो नमाज जो कि इतनी ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए हमें ये फ़र्ज़ करार दिया पांच वक्त अपनी मुलाकात करार दिया और पांच वक्त वो रब हमसे मुलाकात करता इसीलिए कहा जाता है कि यह नमाज क्या है मेराज है मोमिन की यानी मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी और मेरी और आपकी मुलाकात हर नमाज में इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले नहीं होती वो उससे पहले मुझसे दूर है लेकिन दुनिया की मसरूफ़ीतों तो में इंसान ये भूल जाता है लेकिन इसीलिए उसको नमाज़ में ये बात याद दिलाई जाती है कि मैं तुमसे क़रीब हूँ व ऐज़ा सा इबाद अन्नी फ़न्नी करीब जब मेरे बंदे मुझसे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं तो उनसे करीब ही हूँ अल्लाह रब्लम का मेरे लिए और आपके लिए जो दीन के लिए जो सबसे बड़ा इनाम है जो कि हम सब ने कुरान में बार बार इस आयत को पढ़ा है लेकिन ये बात जानने की ज़रूरत है कि हम में से हर कोई इस बात को नमाज तो हमें आती है पढ़ने फिर यह नई बात क्यों बताई जा रही है हमें वजह क्या है वजह यह है कि देखना ये पड़ेगा कि क्या मेरे अमल में मेरी नमाज में अल्लाह के हुक्म और रसूल के अमल की पाबंदी हो रही है कि नहीं हो रही है इसकी अहमियत क्या है हम इस अहमियत को नहीं जानते हैं। हम कहते दीन है मेरा पर्सनल एक इशू है तो बस मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ कोई मुझे क्यों टोके कि यह सही है ये गलत है असल में आज के दौर में हम इस बात को भूल गए या हमें इसकी अहमियत नहीं बताई गई कि असल दीन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से हम तक पहुँचाया गया है आज उम्मत चौदह चौदह सौ साल आगे बढ़ाई है उम्मत को पीछे पलट के जाके देखना पड़ेगा असल दीन क्या था दीन में कितनी चीज़ें दाखिल हो गई तो अब असल दीन की अहमियत और किताब सुन्नत को के इतबा के लिए और किताब सुन्नत के को फ़ॉलो करने के लिए उस पर अमल करने के लिए हमें जो हुकुम दिया गया वो कितना ख़ूबसूरत था और हमारे लिए जो खैर का मामला किया गया और हमें जिस इनाम से नवाज़ा गया वो कितना ख़ूबसूरत था जबकि सूर माह की आयत नंबर तीन में अल्लाह रबुआमिन ने फरमा दिया कि अल यऊ मकमल तोल दीनकम व अतमम तो अल न्यामती व रज़ी तो लकुमल इस्लाम दीना अय मुसलमानों आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद कर लिया यानी वो रास्ता जिसके ऊपर चला जाएगा ये पसंद कर लिया तो बात क्या है कि इस बात को समझने की ज़रूरत है हमको और आपको कि इसको समझा जाए कि इसके बग़ैर चारा नहीं है दीन मुकम्मल है कोई नई चीज़ उसमें शामिल नहीं होगी तो जो, जो दीन नबी अलैहि वसल्लम के ज़माने में था जो दीन जिसके ऊपर सहाबा ने अमल किया उसी दीन को फॉलो किया जाएगा और नबी ने जो वसीयत की कि मैं तुम्हारे अंदर बहकी की हदीस है मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ जब तक तुम इन्हें मज़बूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है दीन को उसकी सही मज़बूती यहाँ से स्टार्ट लिया जाएगा ये है सोर्स ये है सोर्स हमारा और आपका और इससे क्या बात पता चलती है कि इस्लाम और हमारा दीन किताब और अल्लाह के नबी यानि क़ुरान और अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत में महदूद है इससे बाहर कदम नहीं निकाले जाएंगे इसलिए अगर कहीं पर असलाह करने की ज़रूरत है वो पूरे के पूरे दीन की असलाह है नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया और यह हदीस सही बुखारी की है। बहुत गौर से सुनने वाली हदीस है ये और अफ़सोस कि हमें इस हदीस का पता ही नहीं है जब हमने इसको पहली दफ़ा सुना था और पढ़ा था बल्कि तब से ये फ़िक्र पैदा हो गई कि काश कि ये हदीस तमाम उम्मत तक पहुंच जाए उम्मत तो ये समझती है ना कि हमने कलमा ला इला, इला, इला पढ़ा है तो हम जन्नत में जाने वाले लोग हैं जन्नत मुसलमानों के लिए है क्या ऐसा है सही मानों में इस हदीस को सुनिए और फिर फ़ैसला करिए कि कहाँ कहाँ से ठीक होने की ज़रूरत है हमें और आपको कलमा ला ला और हम हमेशा ये बात कहते हैं अल्लाह अकबर कलमा ला इला, इला, इला मिलने के बाद और मुफ़्त इस्लाम माँ के पेट से अपने बाप माँ के घर से मिलने के बाद अगर गफलत का ये हाल है कि इंसान पलटकर एक बार कलमाए ला ए ला ए ला की तरफ़ नहीं झुकता है एक बार उसकी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश नहीं करता है एक बार इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता है कि मुसलमान कहलाने का मतलब क्या है और इसके माना क्या होते हैं तो फिर कितनी बड़ी महरूमी है कितनी बड़ी महरूमी है कि मुफ़्त ईमान मिल जाए ईमान को ढूंढ के लाना ना पड़े और ईमान के लिए दर दर ठोकरे खाना ना पड़े ईमान के लिए बेचैन और मुशतरब रहा ना जाए बल्कि ईमान ठंडे ठंडे पानी की तरह हमें मिल गया कि हमने पी लिया और हमारे दिल में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अगर इतने ठंडे और सुकून के ईमान की वजह से इंसान की गफलत का हाल ये हो जाए कि वो समझ ही ना पाए कि दुनिया में भेजा किस लिए गया था और मुसलमान हो और दुनिया के पीछे भागे मुसलमान हो और दुनिया ही के लिए सारी तगो करे सारी मेहनत अपनी हड्डी का घुलाना अपने पसीने का बहाना अपने मेहनतों का होना ये सब कुछ दुनिया बन जाए मुसलमान हो और झूठ बोले मुसलमान हो और धोखे दे मुसलमान हो और हराम कमाए लोगों को धोखा दे दे के पैसे कमाएँ मुसलमान हो अपने पेट में आग भरे मुसलमान हो और जुल्म करे समझ में नहीं आता मुसलमान हो और जिना करे समझ में नहीं आता मुसलमान हो और बेहयाई का एक ऐसा दुनिया में एक तमाशा दिखाए मुसलमान हो और आपस में इस तरह दर्जे लड़े झगड़े एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर खून हराम है और आप दुनिया में देख लें बड़े छोटे पैमाने से उठकर उठा करके बड़े पैमाने तक बड़े पैमाने तक मुसलमान हुकूमतें एक दूसरे के ऊपर बंबारिंग करती हैं कहां गया इस्लाम कहां गई वो मोहब्बत जिसमें कि ये कहा गया था कि तुम एक जिस्म की तरह हो ना सिर्फ ये कि तुम कहीं पर कोई तकलीफ़ होगी तो तुम उसके लिए बेचैन और परेशान होकर उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करोगे वहीं पर मुसलमान एक दूसरे को तकलीफ़ देने पर लगे हैं अल्लाह अकबर कितनी दूर हैं इस बात से जो इस हदीस में बयान किया जा रहा है कि मुसलमान होना महज़ काफ़ी नहीं है मुसलमान बनना ज़रूरी है मुसलमानियत को इस्लाम को समझना ज़रूरी है कल मिला को समझना ज़रूरी है तभी तो हम उस दुनिया में कामयाब हो सकेंगे अदरवाइज़ आँख बंद होते ही पता चलेगा क्या करने के लिए भेजे गए थे और क्या करके आए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फ़रमाया जो कि सही बुखारी की हदीस है कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी और मुसलमानों तक सिर्फ इतनी बात पहुँची है मुसलमानों तक सिर्फ इतनी बात पहुँची है कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी हदीस आगे चलती है आगे की बात शायद हम तक नहीं पहुँच सकी या उस पर हमारी तवज्जो नहीं है हम पहले लाइन में ही खुश हैं तो आगे हदीस क्या कहती है नबी असलम ने कहा मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया हुँ? तो इनकार पर तो हम ये समझते हैं ना कि भाई काफिरों ने इकार किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों ने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया है ना हमारे कलमे में है ला ला मोहम्मद रसूल अल्लाह तो अब इस हदीस को सुनिए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार को कैसे एक्सप्लेन किया है और उसकी तफसील क्या बताई है तो कहते हैं कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल इनकार करने वाला कौन है यानी कौन इनकार कर सकता है भला ये तो कल्भे में मौजूद है ना तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल इनकार करने वाला कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताद की यानी हमको फॉलो किया मेरी पैरवी की मेरी फरमाबरदारी की वो जन्नत में दाखिल हुआ वो जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने मेरी नाफ़रमानी की तो उसने इनकार किया जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने इनकार किया अल्लाह अकबर गोया के मुसलमानों के अंदर अगर आप और हम इस वक्त देखें अल्लाह के यानी अल्लाह के नबी की इताद के सिलसिले में तो आप देखें कि इनकार किस दर्जे दिखाई दे रहा है मगर हम ख़ुश किस बात पर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तेरे हसन खुल्क़ की एक रमक मेरी ज़िंदगी में न मिल सकी कहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अखलाक़ से मुराद ये है कि अल्लाह के लिए जो रवैया था जो इबादत थी अल्लाह के लिए अखलाक लोगों के लिए अखलाक और आपका अखलाक़ कुरानी था ये तो पाया नहीं जाता मेरे अंदर तेरे हुसन खुल्क की एक रमक मेरी ज़िंदगी में न मिल सकी मैं इसी में खुश हूँ कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया तमाशे आप देखें इस उम्मत के क्या ईद मिलादनबी के तमाशे हैं अल्लाह अकबर नमाज़ की कोई समझ नहीं है लेकिन तमाशे आप देखें मोहब्बत के और आप नातें सुने मोहब्बत के आप दावे सुने हम और आप मोहब्बत के कितने दावे हैं हमारी ज़बानों के ऊपर सुबहान अल्लाह तो इस हदीस को दोबारा पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए ये बात कि असल जो चीज़ जन्नत में लेके आए ले जाएगी हमें और आपको वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना नहीं बल्कि मोहम्मदी होना है आपकी इतात और आपको फॉलो करना है आपके बताए हुए रास्ते पर चलना है आपके मना किए हुए रास्तों से बचना है तभी हम जन्नत के हकदार हो सकेंगे और हम से मुराद यहाँ पर मैं भी है अगर हर कोई अपने आप के बारे में देखे और अपने बारे में सोचे मैं कहाँ खड़ी हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ दुनिया मना नहीं है लेकिन आख़रत बेच बेच कर इस उम्मत ने दुनिया हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी और इतनी तकलीफ़ होती है इस बात पर दुनिया वाले दुनिया ले जाएं दुनिया वाले उनका जो जी चाहे करें लेकिन वो उम्मत जिसको कलम ला अः इला दिया गया और अल्लाह की रज़ा और जन्नत की बशारत दी गई वो दुनिया को अपना मकसद हयात बना ले ये कैसे मुमकिन है ये कैसे मुमकिन है मगर हम सब इसमें हम सबको दुनिया धोखे देती है और हम सब इस धोखे में मुबतला हैं अल्लाह अकबर ये नसीहत नबी वसल्लम की याद रखें हदीस है तिरमेजी की बहुत मशहूर हदीस है हो सकता है हम तक ना पहुंची हो जिसकी वजह से इंसान को यह हदीस सिखाती है कि कदम कैसे नाप तोल के रखे जाएंगे इस दुनिया में कैसे समझ बूझ की के साथ ज़िंदगी गुजारी जाएगी इस दुनिया में ये दुनिया महज़ खेल और तमाशा नहीं है ये दुनिया बहुत सीरियस मुकाम है इसको सीरियसली लिया जाएगा सैदनाबाज़ भी सारियाँ रज़िया लन रिवायत करते हैं कि एक दिन रसोल्ला सल्ह ने हमें नमाज़ पढ़ाई फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज़े हुए और बहुत ही दिल पज़ीर यानी ऐसी दिल के ऊपर असर करने वाली नसीहत फरमाई तो आपका वाज़ सुनकर यानी आपकी नसीहतें सुनकर हमारी आँखों से आंसू जारी हो गए कैसी कौम थी ना जब डराया जाता था जब नसीहत की जाती थी तो रोना शुरू कर देती थी वो कौम कि या हम कैसे दुनिया से बचेंगे और कैसे हम अपना दामन बचा के चलेंगे वो इस फ़िक्र में मुब्तला हो जाती थी अपने पीछे की गफलत की आँखों में आंसू रवा हो जाते थे कि अल्लाह हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे या अल्लाह हम आप ही संभालें तो हम सँभलें तो कहते हैं कि मेरे हमारी आँखों से पूरी पूरे लोग और साबा रोने लगे उस नसीहत को सुन करके और ये कहा एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये जो नसीहत है ये तो ऐसी है जैसे किसी रुख़त करने वाले की होती है यानी ऐसा लग रहा है जैसे आप रुखसत हो रहे हैं हमारे पास से इसलिए हमें ख़ास और वसीयत कीजिए हमें बताइए तो आपने क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की जायज़ बात सुनना और मानना अगरचे तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो ये डिसिप्लिन सिखाएगे, मेरे बाद, मेरे बाद जो तुम में से ज़िंदा रहेगा यानी ये जो डिसिप्लिन है अब ये डिसिप्लिन कौम में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है ही नहीं कहीं पर मौजूद कोई बड़ा हो हमारे जबानों से ये निकलता है कोई बड़ा होगा तो अपनी जगह पर होगा हु? बड़ा होगा तो अपनी जगह पर होगा मैं तो हकवाद बोलती हूँ मैं तो सच बोलती हूँ तो हम दस लोगों की जमात नहीं बना सकते हम पचास लोगों की जमात नहीं बना सकते हम एक मस्जिद का निज़ाम नहीं चला सकते हम एक मुल्क का निज़ाम क्या चलाएँगे क्या चलाएँगे इसलिए कि हर एक ने यह सोच रखा है कि बस मैं ही अहम हूँ और मेरी बात ही सही है और किसी को किसी की इज्जत की परवाह नहीं है यहाँ पर हुक्म यह दिया जा रहा है कि जो तुम्हारा बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी उसको बड़ाई दी जाएगी आगे चलती है यह हदीस नबी वसल्लम ने कहा मेरे बाद जो तुम में से ज़िंदा रहेगा वो सख्त इख्तलाफ़ देखेगा उस वक़्त तुम मेरी सुन्नत और हिदायत याफ़्त खुलफ़ाए राशद का तरीक़ा लाजिम पकड़ना उसे दाढ़ों से दांतों से मज़बूत पकड़े रहना और दीन के अंदर नए नए काम और तौर तरीक़ों से बचना क्योंकि दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की आग में ले जाने वाली है आज हम और आप इख्तलाफ से इतने परेशान होते हैं इतने तरह का दीन है या डिप्रेसड हो जाते हैं सवाल ये कि क्या रास्ता नहीं बताया गया इख्तलाफ में चलने का कि तुम मेरी सुन्नत और राशद खलफ़ाए राशद के रास्तों को पकड़े रहना और आज उम्मत को ये कहा जाता है कि सहाबा ये अमल करते नहीं थे तो जवाब क्या मिलता है कि हमारे मसलक में तो यही है जनाब हमें तो ऐसे ही करने को सिखाया गया है जनाब और ये बात हम भूल गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह दुनिया के ख़तरों से वार्न करके गए थे कि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आएंगी उम्मत ने चार इमाम बना के चार तफरीक पैदा कर ली कोई शाफी है कोई हमली है कोई कोई जो है वो मालिकी है और हम तो क्या हैं हनफी हैं हम हनफी हैं ये चार उम्मत के चार बंटवारे हो गए चार दिन बन गया हमारा अब जो शाफ़ई है वो हनफी नहीं हो सकता जो हनफी है वो शाफ़ई नहीं हो सकता जो मालिकी है वो हमली नहीं हो सकता तो हमने ये चार दिन बना लिए अपने और बताया क्या जा रहा है और सहाबा किस दिन पर थे सहाबा में से कौन शाफ़ई मालिकी और हम्बली और हनफी था तो हमें क्या बात यहाँ पे पता चल रही है कि दीन उसी वक्त तक दीन है जब तक कि एक रास्ता एक रास्ते पर चला जाएगा और वो रास्ता है मोहम्मदी मोहम्मदी जिसके ऊपर चलकर सहाबा ने दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया सुबह नल्ला ग्रेजुएट हो गई यहीं पर और रिज़ल्ट आउट हो गया और इस उम्मत को दूसरा दिन चाहिए इस उम्मत को वो दिन नहीं चाहिए जो सहाबा के पास था हमें और आपको दूसरा दिन चाहिए और इसी डगर पर उलमा ने डाला उम्मत को तो फिर ये हदीसें कहाँ गईं हर कोई अपनी आँख खोले ना हम और आप अपनी आँखें खोलें और देखें इसलिए कि जिंदगी एक मिली है अगर आँख बंद करके चलेंगे तो फिर वापस पलट के आने का कोई रास्ता नहीं है कितने लोग हैं जो आखरत में अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह ये हमें दोबारा भेज दीजिए इस दुनिया में अब पता चल गया कि करने के लिए क्या गए थे अल्लाह ना करे कि हम उनमें से एक हों अल्लाह ना करे कि हम उनमें से एक हों इसका ये मतलब नहीं है जो हम बार बार समझाते हैं आपको इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हनफी मालिकी शाफ़ी और हमली के बताए हुए तरीक़ों पर या उनके उनको उस्ताद समझते हुए उनकी तालीमा के ऊपर नहीं चल सकता हर टीचर ने इमाम अबू हनीफा ने इमाम अहमद ने इमाम जो है वो शाफही ने और इमाम मालिक ने सब ने कहा कि मेरा मसलक मेरा तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो सब ने ये कहा कि जो कोई बात सुन्नत की आ जाए तो अगर मेरे मसलक में मेरे तरीक़े में कमी पाई जाएगी तो मेरा तरीक़ा और मेरा मसलक छोड़ा जाएगा और सही हदीस ली जाएगी लेकिन शैतान इतना कामयाब है कि सही हदीसें पेश की जाती हैं हमें लेकिन हम नहीं ले पाते हम कहते हैं कि ये तो है लेकिन तरीक़ा ऐसे बताया जा रहा है नबी अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो नसीहत की थी वो नसीहत इस क़दर उससे आज हम दूर हो गए हम कहते हैं बस जो हमें सिखा दिया गया बस वही काफ़ी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि याद रखो मुझे क़ुरान मजीद और उसके साथ एक ऐसी और चीज़ दी गई है यानी हदीस दी गई है एक और चीज़ जो कि हदीस है वो दी गई है तो जो क़ुरान का मुकाम है दीन को हासिल करने के लिए वही सुन्नत का और वही हदीस का मुकाम है इसलिए किसी भी अमल के आगे हदीस से रोशनी ली जाएगी अल्लाह आलमीन ने सूरह मोहम्मद आयत नंबर थर्टी थ्री में क्या फरमाया है ये बात हम हमेशा कहते हैं आज भी सुनिए ये नहीं कहा गया कि अतिल्ला और इमाम अबू हनीफ़ा अतीउल्लाह, अति इमाम शाफ़ई, ये नहीं कहा गया क्या कहा गया है या अय्योहिन आमनु अति वतिरसूल वा वाला तुब आमालकुम सूरह महमद आयत नंबर थर्टी थ्री ये वो आयत है जो सारी ज़िंदगी अपने आगे रखने की ज़रूरत है जब किसी और तरीक़े और रवैये की तरफ बुलाया जाएगा एक ईमान वाला इंसान कलमा ला ला पढ़ने वाला इंसान हम और आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी में आगे रखेंगे यही मेरी जन्नत में जाने की कुलीद है चाबी है कोई आख़रत में किसी और अमल के ज़रिए जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के अलैहि वसल्लम की मुहर न लगी हुई हो जब तक के महम्मद सल्ला वसल्लम का, का तरीक़ा ना हो तो आप और हम ये देखें कि फिर सही हदीस को छोड़ के हम किसी और रास्ते को इस्तेमाल करें जबकि तमाम इमामों ने यही बात कही सही हदीस ही मेरा तरीक़ा और रास्ता है तो इन को आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे आगे चलते हैं आज़ान के बाद इन शाला